अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनीकाज वर्ल्ड। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गिव रोटी टू अ 6 मंथ्स एंड प्लस बेबी। जब बेबी 5th मंथ का हो जाता है तो कुछ मदर्स सॉलिड स्टार्ट करवा देती हैं और कुछ मदर्स डरती रहती हैं कि बेबी को सॉलिड स्टार्ट करवाया जाए या नहीं। तो यहाँ पे बात आ गई जी 2 टाइप्स की मदर्स की। अब नंबर 1 मदर वो है जो कि 5th मंथ की एज में अपने बेबी को थोड़ा थोड़ा सा खिलाना स्टार्ट करा देगी, और नंबर 2 पे है जी वो मदर जो डरती रहेगी कि बेबी को सॉलिड स्टार्ट करवाया जाए या नहीं। अब यहाँ पे बात आ गई जी 2 टाइप्स की मदर्स की। नंबर 1 है जी सॉलिड स्टार्ट करवाने वाली मदर, और नंबर 2 पे है जी डरने वाली मदर। तो अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जिस मदर ने 5th मंथ की एज में बेबी को सॉलिड खिला दिया था, वो वाला बेबी 6 मंथ का होने तक सब कुछ खाएगा। वो प्योरी फॉर्म से हार्ड फूड में आ जाएगा 6 मंथ का होने तक। स्टार्ट में बेशक वो खाने पीने में तंग करे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको खाने की आदत हो जाएगी। और नंबर 2 पे है जी वो मदर जिसने सॉलिड स्टार्ट नहीं करवाया, जो डरती रही कि बेबी को देना चाहिए या नहीं, बेबी डाइजेस्ट कर पाएगा या नहीं, बेबी खा नहीं रहा, उसको खिलाने के लिए एफर्ट नहीं की, तो उसका बेबी कुछ भी नहीं खाएगा, उसको हमेशा खाने में तंग ही करता रहेगा। तो इस वजह से डरा ना करें, बल्कि अपने बेबी को हर चीज थोड़ी थोड़ी खिलाया करें, ताकि बेबी को खाने पीने की आदत हो, वो हेल्दी डाइट ले और उसकी ग्रोथ अच्छे से हो। कमिंग बैक टू द रेसिपीज, तो चलिए देखते हैं नंबर 1 रेसिपी को कैसे बनाना है। चलिए जी, रेसिपी नंबर 1 के लिए सिंपल सा मैंने एक बॉल ले लिया है और उसके अंदर मैं योगर्ट ऐड करूंगी। योगर्ट यहाँ पे मैं फ्रेश योगर्ट ले रही हूँ जो हमें मिल्क वाली शॉप से मिलती है। नेस्ले की जो योगर्ट होती है वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। ये जो फ्रेश योगर्ट होती है इसके ज्यादा बेनिफिट्स हैं, इसलिए बेबीज को ट्राई किया करें कि फ्रेश योगर्ट ही खिलाया करें। तो यहाँ पे मैंने 4 to 5 tablespoons योगर्ट के ले लिए हैं, और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 teaspoon शक्कर। शक्कर आप बेबी के टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। शक्कर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये फायदा मंद होती है एज कम्पेयर टू शुगर। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप शक्कर या गुड़ ऐड करें, शुगर ऐड ना करें। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि जो सारी शक्कर है वो योगर्ट के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और नेक्स्ट आ गया जी, आपने एक रोटी ले लेनी है। तो यहाँ पे आप पराठा भी ले सकती हैं, ये छोटा सा पराठा है उसका इतना सा पीस आपको चाहिए, या फिर आप जो सादा रोटी है वो भी ले सकती हैं, लेकिन उसके ऊपर घी लगा होना चाहिए। बच्चों को सादा रोटी ना दिया करें, ऊपर देसी घी जरूर लगाया करें। तो यहाँ पे जी रोटी पे देसी घी लगा हुआ है, इसको मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है, और इसको आपने इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स तोड़े ताकि बेबी जो है वो इजीली डाइजेस्ट कर पाए। तो इस तरह से हमने इसको बिल्कुल क्रश फॉर्म में ले आना है, बिल्कुल क्रश करके योगर्ट में डालते जाना है। अगर आप इतने छोटे छोटे पीसेस करेंगी तो ही योगर्ट में अच्छी तरह से मिक्स हो पाएंगे। जब हम रोटी को योगर्ट के अंदर डालते हैं तो रोटी बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाती है, और साथ में जो योगर्ट है उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इस तरह से जी जब रोटी और योगर्ट को मिक्स करके बेबी खाता है तो उसके लिए उसका टमी जो फुल रहता है, और उसके साथ साथ उसका वेट भी गेन होता है, और बेबी बार बार आपसे खाना भी नहीं मांगेगा। अगर आप ब्रेकफास्ट में उसको ये खिला देंगे ना तो सारा दिन आपका सुकून में निकलेगा। बार बार बेबी आपको भूख के लिए तंग नहीं करेगा, और उसका रोना धोना भी बंद हो जाएगा। जब योगर्ट के अंदर रोटी मिक्स हो जाती है तो वो सॉफ्ट हो जाती है, और बेबी उसको इजीली खा भी लेता है और इजीली डाइजेस्ट भी कर लेता है। और ऐसी चीजें 6 मंथ बेबी को ब्रेकफास्ट में दिया करें ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। नेक्स्ट रेसिपी है जी चूरी। जी हाँ, चूरी पहले जमाने में जब हम छोटे होते थे तो हमारी मम्मा हमें बहुत ज्यादा बना के दिया करती थी। इससे बेबीज का वेट गेन होता है, बेबी हेल्दी होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो आगे देखें जी इस चूरी को किस तरह से बनाना है। चूरी बनाने के लिए सिंपल मैंने एक रोटी बना ली है, इसको आपने कोई घी वगैरह नहीं लगाना, सिंपल सी रोटी बना के इसको सेक लें और फिर थोड़ा सा बस ठंडा करें। गरम गरम रोटी को आपने तोड़ना है इस तरह से, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें, थोड़े से हैंड जलेंगे, लेकिन आपने इस तरह से ही रोटी को जल्दी जल्दी गरम गरम रोटी को ही तोड़ना है, ताकि जो चूरी है वो सॉफ्ट सी बने और बेबी इजीली उसको खा ले और इजीली डाइजेस्ट कर ले। और इसमें साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी आप बेबी के टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। मैंने 5 to 6 tablespoons ऐड किए हैं, इसको हम मिक्स करेंगे और साथ ही ऐड कर देंगे देसी घी,
जी हाँ, आपने डालडा घी में नहीं बनानी चूरी, देसी घी में बनानी है ताकि बेबी का वेट भी गेन हो और बेबी की बोन्स भी स्ट्रांग हो। तो साथ साथ इस तरह से जो शुगर है और देसी घी है वो भी मिक्स हो जाएगा और रोटी को भी आपने इस तरह से पीसेस करते जाने, साथ साथ इनको मिक्स करते जाने। तो इस तरह से जी बिल्कुल इनको मसल मसल के बनाना है। ये मेरी मम्मा बना रही है क्योंकि मम्मा बहुत मजे की चूरी बनाती है, ईसा के लिए मैं स्पेशली मम्मा से बनवाती हूँ। तो इस तरह से जी आपने रोटी को इस तरह से मसल मसल के पूरा सॉफ्ट कर लेना है घी के अंदर, और शुगर भी अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। थोड़ी सी आपने इसको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप अपने बेबी को डेली वन टाइम, दिन में वन टाइम ये देंगी ना, तो बेबी का वेट बहुत जल्दी गेन होता है। तो इस तरह से जी आपने इसको बिल्कुल मसल लेना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट सी चूरी बन जाए, और इसको देन आपने बेबी को खिला देना है। तो यहाँ पे जी मम्मा ने बिल्कुल चूरी को मसल के बिल्कुल अच्छी तरह से मेहनत करके ईसा के लिए चूरी रेडी कर दी है, और इसके बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस कर लीजिएगा, सारा इसको मैश कर लेना है। और यहाँ पे जी ये मजेदार सी चूरी बन के रेडी हो गया, मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया है। बेबीज को बहुत पसंद आती है, जो बेबीज रोटी नहीं खाते ना उनको अगर आप इस तरह से बना के देंगी तो बेबीज मजे से खाएंगे। उसके अलावा जो थोड़े बड़े बेबीज हैं स्कूल गोइंग हैं, उनको आप लंच में भी बना के दे सकती हैं, या फिर आप सुबह ब्रेकफास्ट में बेबीज को खिला के भेज सकती हैं ताकि बेबीज में पूरा दिन एनर्जी होए और वो स्कूल में अच्छे से खेलें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से ग्रो करें। तो यहाँ पे जी मसल मसल के बिल्कुल मैश करके चूरी मजेदार सी रेडी हो गई है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूंगी और जितनी बेबीज खा सकते हैं उतनी दे दें, बाकी आप रख लें, थोड़ी देर के बाद भी दे सकती हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर लें, मैं वहां पे सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।